नहीं उनको क्यों मेरा मेरा बॉलर को उनका बताइए उनको क्यों बंद रखा है आज क्या वायलेशन हो रही है थाने में लोग क्यों बंद है वो वायलेशन नहीं है वो वायलेशन नहीं है मैं क्या सुनूं आपकी बात आप वहीं से सब सीख के आई हैं मुझे बताइए जालगा में हमारे लोग बंद जालगा में हमारे लोग बंद अजमुका में हमारे लोग बंद आपके वोटर्स बहुत सारे वोटर्स जो जहां वोट डालना चाहेंगे ये कहां जाएंगे नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है जो थाने में नहीं है नॉर्मल बोर्ड ऑफ कंडक्ट है जो आप तो पता नहीं क्या बोल रहे हो थाने में आप मुझे अरेस्ट कर लो मुझे भी अरेस्ट कर लो मुझे भी बंद करो और क्या करना चाहते हो और क्या करेंगे आप वोटर है आप अपना वोट ये जो यहाँ ये जो बातें वोटर नहीं है मैम आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो अंदर बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे जो थाने में बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे मैम रिक्वेस्ट है आप जो जालगांव में बंद है अनंतनाग में बंद है अशोकनगर को छोड़ दीजिए प्लीज किया हुआ है हमारे लड़के क्यों बेगुनाह बंद है आप वही छोड़ दो छोड़ दो लड़कों को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं जेल का बंदा वोट से 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 पीपल को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं हर रात से हर जगह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो साउथ कश्मीर में हो पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार करके बिना किसी वजह थानों में बंद किया जा रहा है हम कह रहे हैं हमें वजह बताओ और एसएचओ साहब कोई वजह नहीं बता रहे हमें लगता है कि एलजी साहब डीजी साहब और यहाँ के जो डीआईजी साउथ कश्मीर वो सारे मिले हुए हैं अगर इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट जाने से इतना डर लगता है तो एलजी साहब मुझे बोलते कि आप इलेक्शन मत लड़ो मगर एलजी साहब उनको क्यों रिपीट कर रहे हैं इनके ही लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट के प्रोसेस में एक यकीन दहानी दिलाई है आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं एलजी साहब रिपीट कर रहे हैं अदरवाइज हमारे बेगुनाह इनोसेंट यहाँ थाने में बंद है अनंतनाग में बंद है जालगांव में बंद है पहलगाम में बंद है अशोकनगर में बंद है कोई थाना नहीं है साउथ कश्मीर में जहाँ हमारे एजेंटों को बंद नहीं किया गया और जगह जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ लोग निकले हैं वोट डालने के लिए वहाँ मशीनें खराब की जा रही हैं अगर इनको 87 ही रिपीट करना है तो ये ड्रामा क्यों इलेक्शन का ड्रामा क्यों बिल्कुल ये रिगिंग ही हो रही है और क्या हो रहा है लोगों को डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है कि आपके बच्चे हमने बंद रखे ताकि लोग ना निकले वोट डालने के लिए और क्या हो रहा है 87 रिपीट हो रहा है जम्मू कश्मीर में तो पुलिस आई हैव बीन आस्किंग द एसएचओ साहब हियर प्लीज टेल मी व्हाट इज द ब्लेम व्हाट इज देयर क्राइम देयर इज नो क्राइम इट्स नॉट ओनली इन बिजबिहारा अशोकनगर जालगांव अनंतनाग पहलगाम यू नेम एनी प्लेस And it's very unfortunate that LG Saab has given directions right from LG DG. The directions have been given to arrest and detain PDP workers, their polling agents. They want to rig the elections like 87, which is very unfortunate. It was Atal Bihari Vajpayee who assured people of Jammu and Kashmir for free and fair election in 2002 from the Red Fort. Now they are destroying everything. I'm so sorry to say that. Ma'am, do you believe that it's only few political parties that have been targeted like this? Only PDP, no other political party. There was polling in Srinagar Parliament constituency. It was fine. In North Kashmir, it was fine. They are scared that if people in South Kashmir come out to vote, Mehbooba Mufti will win. So they are too scared of Mehbooba Mufti to be in Parliament. Thank you.